इसलिए चरण दबाते हैं कि गुरु जी सो जाए, और कब सोए और कब हमारे पिंड छूटे। हाँ, ऐसे भी कुछ लोग होते हैं। एक महात्मा जी की आदत थी कि उनके कोई चरण दबाए से वो सो जाती थी, लेकिन जैसे ही कोई चरण छुए छोड़े सो वो जग जाती थी। तो एक आदमी, अब हम ये नहीं कहेंगे कि वो उत्तराखंड का था, क्योंकि बुरा लगेगा इन लोगों को, हमें अभी दो दिन रहना है, पीछे उत्तराखंड वाले ही बैठे हैं, पूरे सब गढ़वाल वाले बैठे हैं। भैया आपकी बात नहीं है, ये तो वेस्ट इंडीज की बात बता रहे हैं। तो एक आदमी उत्तराखंड का, नाम चंगीलाल, गुरुजी की सेवा रोज करें, रात के समय गुरुजी की आदत के गुरुजी के जैसे ही कोई चरण दबाए वो सो जाए। तो जैसे ही चरण दबाए गुरुजी सो गए, इसने सोचा गुरुजी सो गए अब हम भी सो जाएं। जैसे ही उठे गुरुजी ने पूछा, हाँ तो चेला तुम कितने भाई हो? तो इसने जब तक बताया कि 5, तब तक गुरुजी फिर सो गए। अब जब फिर सो गए तो इसने सोचा कि अब सो ही गए तो ये उठा, अब जाने लगा। जैसे ही जाने लगा तो गुरुजी बोले, हाँ तो बताया नहीं तुमने कितने भाई हो? इसने कहा, गुरुजी बताया तो है 5। इतना बोल ही पाया गुरुजी फिर सो गए। इसका दिमाग खराब। अब लगभग 2-3 बज गए, ये बार बार उठे और बैठे, फिर गुरुजी एक ही प्रश्न करें, कितने भाई हो? 2-3 बजे जैसे ही रात के सुबह के गुरुजी ने फिर पूछा, हाँ तो तुमने बताया नहीं भाई कितने भाई हो? सोई दोनों हाथ जोड़ के बोला, गुरुजी वैसे तो हम 5 भाई हैं पर सुबह तक 4 बचेंगे। कुछ ऐसे भी सेवा कुछ ऐसे भी सेवादार होते हैं जिन्हें गुरु की सेवा भी बोझ लगती है। धर्म और सेवा बोझ नहीं है, बुरा ना मानना। बोझ कब लगती है? जब किसी भी चीज में हम आनंद लेना बंद कर देते हैं तो वो लोड लगती है, बोझ लगती है। जब अपने काम में ही हम आनंद लेना प्रारंभ कर देते हैं, सेवा में ही आनंद लेना प्रारंभ कर देते हैं, तो वो आनंद और उत्साह की पूर्ति करता है। इसलिए आपको टेंशन से बचना है तो अटेंशन में रहिए, टेंशन से बचना है अटेंशन में रहिए। अटेंशन का मतलब सावधान, और सावधान कौन करवा सकता है? सावधान तो तुम केवल सदगुरु ही करवा सकता। और कोई हमसे पूछे बढ़िया सदगुरु के बारे में बताओ, तो हमें तो एक ही सदगुरु याद आते हैं, जय 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 हनुमान गोसाई। Yeah.